वो सभी फसलों के ऊपर इतना पैसा लगाने से सभी देश का भला हो जाएगा, तो जिसमें देश का भला होगा वो कार्य कीजिए। तो जो केंद्र ने प्रस्ताव भेजा वो अनुचित है, इसलिए हमने उसको रद्द कर दिया है। लीगल गारंटी कानून बनाने की मांग पर खड़े हैं। देखिए, जो केंद्र ने प्रस्ताव भेजा था वो हमने रद्द कर दिया है। उसकी वजह ये है कि सरकार बोलती है कि 1.5 लाख करोड़ से अधिक हम लगा के प्रोक्योरमेंट करेंगे, तो ये बहुत सी स्टडीज आई हैं कि अगर एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना दिया जाए, ये तो 5 फसलों के ऊपर है, वो सभी फसलों के ऊपर इतना पैसा लगाने से सभी देश का भला हो जाएगा, तो जिसमें देश का भला होगा वो कार्य कीजिए। अब वो बोल रहे हैं भी जो धान और गेहूं से बाहर निकलेंगे उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये सालों वाली गिनती थोड़ी ना चलेगी। जो पहले से ये 5 फसलें बो रहे हैं वो अपने आप इससे बाहर हो जाएंगे। तो जो केंद्र ने प्रस्ताव भेजा वो अनुचित है, इसलिए हमने उनको रद्द कर दिया है और हम लीगल गारंटी कानून बनाने की मांग पर खड़े हैं। कितनी फसलें आप कहते हैं एमएसपी पे लगाएंगे, जो आप 23 फसलों को लगाएंगे? हम 23 फसलें तो सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार ये दे रहे हैं हमें, हमने क्या उसके ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दें? सर, आपका अमला पड़ा हुआ है, कितनी तारीख को करेंगे आप? हैं? आगे देखिए, अगर केंद्र ने बोला है कि हमने अन्य मांगों के ऊपर, ठीक है, किसानों को बताना है, अगर वो नहीं बताएंगे तो हम पीसफुली ढंग से आगे बढ़ेंगे। तो सर, आगे कोई खून खराबा होता है, कोई वायलेंस होती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, ना हम खून खराबा वाले हैं ना वायलेंस वाले हैं, पीसफुली रहेंगे। पर पुलिस तो करेगी ना? आप देखिए, जिन्होंने 10 दिन पहले हमारे आंदोलन से बैरिकेडिंग की हुई है, जिन्होंने अर्धसैनिक फोर्स लगाए हुए हैं, जो हमारे ऊपर शेलिंग कर रहे हैं, वो जिम्मेवार होंगे इसके लिए। सरकार दोनों भाइयों को लड़ा रही है, आप पहले कहते हैं कि पंजाब बिल्कुल उधर जवान है, इधर किसान है, जवान भी हमारा किसान भी हम है, तो दोनों को लड़ाने का कार्य केंद्र कर रही है। मुझे लगता है जवान भी संभलेंगे, हम तो संभल ही रहे हैं।